सो फर्स्टली मेनी कंग्रेचुलेशन. एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है. सो व्हाट यू हैव टू से, एक नए पेयर, फ्रेश पेयर. देखो यार, we've known each other for some time now, and but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पैर जब आता है, एक फ्रेश पैर आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है, ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे. हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज एट हैंड. The story itself is very, we've always known that television has not been progressive enough. So, aaj hum log pehli baar aise ye kahani la rahe hain jo bahut progressive hai. It is to deal with today's problem. It is to deal with a lot of issues that people are facing but nobody wants to talk about. Yeah. It is to deal with something that you do not understand but yet have a comment to make on it. So, mujhe lagta hai ki ye zaruri tha. And we've brought forward a story that can move people, can move people's mindset about something. And we're looking forward to show that to you. It's with risks and gains, to be very honest. True. Yes. Right. Show mein apne kirdaar ke bare mein thoda sa bataiye humne, kitna enjoy kar rahe hain is kirdaar. Through and through. Okay. So, Krishna जो है वो मोहन के सारथी है एंड शी इज दिस रिस्पॉन्सिबल गर्ल. दिल से बहुत ही अच्छी है, इतनी भोली है कि कभी कभार बहुत ज्यादा बोल देती है. बट दैट डज नॉट मीन दैट शी इज नॉट मच्योर, शी इज लाइक वेरी मच्योर. घर का, घर में सबका ख्याल रखती है, पापा के भी ख्याल रखती है. शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, कमाती है अकेले. एंड देन शी हैज दिस साइड दैट शी डज नॉट शो हर इमोशंस इतना ज्यादा, यू नो, बिकॉज शी ऑल दैट शी हैज इन हर माइंड इज दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर ब्रदर एंड उसे कुछ बनाना है. एंड there's this big secret that she does not know about her brother, which is like the of course important matter jo abhi we were talking about. So aise hi story jaate hai. This is Krishna's character, she's a sweet girl of course, and so this is it if you talk about the character of Krishna. And then when you got to know about the character, jo main jo reason hai, jo message jana chahiye, ki hum dekhte hain society mein इस तरह से ओपनली बात नहीं होती है. Right. इस किरदार में बात हो रही है, लोगों का अभी से रिएक्शन आना चालू हो गया है. एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट व्हाट यू सी ऑन एन एवरीडे बेसिस. हम लोग शायद 15 साल पहले की बात कर लूं तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सिंस देन सोशल मीडिया, इंटरनेट, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज कम फॉरवर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की है. एंड मोर देन डिस्कसिंग इट, आई थिंक जब आप किसी चीज को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज्यादा जुड़ पाता है. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो कृष्णा या कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी में बता सकता हूं आपको कि दोनों में, दोनों अपनी जिंदगी में किसी ना किसी के साथ ही है. किसी ना किसी के लिए अपनी जिंदगी का जितना भी ड्रीम्स हैं, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज. ब्लड इज थिकर देन वाटर, हम लोग सब इस बात को मानते हैं. और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सही हो, गलत हो, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं. बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपने सारे ख्वाब, म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो रहा है. कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है. तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा. इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मोर, मच मच मोर देन दैट. तो आपको वो देखने को मिलेगा. एंड यू शुड नो एंड वॉच दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, एंड यू नो इट्स अ, इट हैज सो मेनी सेक्शंस टू इट, यू नो, अनफोल्ड होना बाकी है. काफी सारे स्टोरीज एक ही स्टोरी के अंदर. हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, बहुत सारे लेयर्स. थैंक यू, दिस इज कफिंग, सॉरी. हां, सो आई थिंक अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है.
सो ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी. सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी. देखो मैं आपको एक चीज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूंगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा. अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते. Of course, that's what I also हम सबके घरों में होते वही. है ना हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई है. right, ये सही है या गलत है बता दो. ये सही है पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुंचे. हम जब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूं तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं बराबर. थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है. ये हम करते हैं टेलीविजन में. हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं पर ये अपना बहुत क्लिशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज्ड है टेलीविजन है पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज. सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता. घर में हर किसी की कलेश होती है बस उसको चीजों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं. अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीजें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं. तो दैट इज व्हाट वी शो ऑन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट. रिश्ते हैं खून के रिश्ते हैं. फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूं मैं आपको उसका खून का रिश्ता नहीं है पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है. वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है. तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो जो आपने बोला वो भी सही है पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें अपना एक एनालिसिस बनाए ना कि मेरे शब्दों पर वो रिएक्ट करें. लास्ट क्वेश्चन कृष्ण मोहिनी जब पहला अगर ये नाम सुना ऐसा लगता है कि माइकल शो हो सकता है. राइट सो आप दोनों के दिमाग में दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जाना चाहिए कि क्या दिमाग में आता जब ये शो का नाम आपके सामने आया. नाम तो बहुत बाद में सुना था मैंने कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी. नहीं मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था. बट देन यू नो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था जैसे आपने कहा तो सब काफी क्वेश्चंस आ गए थे माइथो शो है क्या. फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड यू नो बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है यू नो एज मोहिनी एंड वो भी काफी यू नो पीपल एक्चुअली लव्ड. सो यू नो काफी सारी चीजें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है यू नो मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ बट देन नथिंग लाइक इट. इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट. आई मीन कम ऑन डूड बी हैप्पी लिव एंड लेट लिव. सो या सो मेहमान बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है जो बात माने आप क्या कहना चाहेंगे. ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था मैंने कहा कि मेरे नाम बाद में सुना था पहले कहानी सुनी थी. मैं मुझे पता भी था कि हाँ जो कॉम्प्लीमेंट किया था अच्छा सबको साथ लेके इसके लिए तो मैं ये बात कहूंगी यार मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा. मैंने कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी स्वीट डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड थोड़ा ज्यादा सोचती है थोड़ा ज्यादा सोचती है पर उसका वो एट्रीब्यूट है. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन द सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉकिंग अबाउट द सीन बिफोर द सीन इज डन एंड वी हैव डन दैट अंटिल नाउ. हम लोग आई थिंक कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है. वी शेयर अ गुड स्क्रीन स्पेस. केमिस्ट्री अच्छी है एंड शी इज अ लवली सिंगर. अगर आप इंटरव्यूज में इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा. ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज गाते हुए सुन सकता हूँ इसको. वो मेरे दिल के ताले की चाबी है. दिवात्मा को पूछा ना आपने सॉरी मेरी नहीं कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब में. चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच. बता तो दिया मैंने जवाब दे दिया आपको. वो कृष्णा के लिए कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के चाबी दिल के ताले की चाबी है. देवात्मा जी एक गाना प्लीज शो के लिए शो शो आए हो कहां से गोली क्यों मैं प्यार लेके
यार वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा? ये पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा, जो भी गाना गा दे अच्छा गाते। कृष्ण चावे, आई डोंट नो, आई वाज आस्किंग। इट्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स, सो इट्स बियॉन्ड एनीथिंग, बट इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम कि अभी यू नो आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड देन आई मीन ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजेश किच होए कुर्बान किन मिर्ज़े भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखा रहे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआश के नचावे, सीने सारी रात दर्द जगावे, एक पल चैन न आवे। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। सिंगर ये बढ़िया है लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।